पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव जारी है। दूसरे दिन भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रविवार को शाम 4 बजे कैमल शो का आयोजन होगा। शाम को 6:30 बजे पुष्कर सरोवर के वराह घाट पर महाआरती होगी। मेला मैदान में ही शाम 7 बजे पद्मश्री गुलाबो सपेरा द्वारा कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात रात 8 बजे मेला मैदान में ही अनुराधा पौडवाल द्वारा धार्मिक भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी। इसको लेकर पुलिस व प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीना होली महोत्सव में शामिल होने के लिए शनिवार रात परिवार सहित अजमेर पहुंच गए। इससे पहले शनिवार को 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव की पुष्कर सरोवर के ब्रह्मा घाट पर महाआरती से शुरुआत हुई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धमेंद्र राठौड़ ने महाआरती की। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर स्थित ब्रह्मा वाटिका एम्फी थिएटर में भजन संध्या हुई। इसमें प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका विद्या शाह ने प्रस्तुति दी। आरटीडीसी अध्यक्ष धमेंद्र राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंशा थी कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये सब दुनिया में जानते हैं। पुष्कर के होली महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए होली महोत्सव पुष्कर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें परंपरागत होली महोत्सव के बारे में देश विदेश के लोगों को जानकारी मिलेगी। राजस्थान और पुष्कर में पर्यटन बढ़ेगा। महोत्सव का जो आगाज हुआ है वो एक ऐतिहासिक है। सोमवार 6 मार्च को भव्य होली कार्यक्रम होंगे। शाम 4 बजे ब्रह्मा चौक, होली का चौक और ब्रह्मा वाटिका पर चंग, डफ, कच्ची घोड़ी और गैर नृत्य किया जाएगा। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी द्वारा सरोवर के जयपुर घाट पर शाम 6 बजे नगाड़ा वादन किया जाएगा। 6:30 बजे पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर लगभग 1,25,000 दीपों से भव्य दीपदान का आयोजन होगा। ब्रह्मा घाट पर महाआरती होगी। सरोवर पर आतिशबाजी भी होगी। होलिका दहन और फूलों की होली ब्रह्मा वाटिका एम्फी थिएटर में देर शाम 7 बजे होगी। प्रसिद्ध गायक पद्मश्री हरिहरन का म्यूजिक कॉन्सर्ट मेला मैदान में देर शाम 7:30 बजे आयोजित होगा।